प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति हुई जब्त। लगभग 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति है। गैंगस्टर एक्ट में प्रशासन ने की है कार्रवाई। SDM और CO भारी फोर्स के साथ पहुंचे हैं। आपको बता दें जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। विद्यालय को भी सीज कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया। पहले मुनादी कराई गई और फिर संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जिसमें एक स्कूल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने संपत्ति अर्जित की थी। पूरे धनऊ स्थित इंटर कॉलेज को भी सील किया गया। मऊदारा पहुंचे SDM ने किया, करीब 4 करोड़ कीमत के खेत को भी सील किया गया। कुंडा इलाके का मामला है ये। आपको बता दें प्रतापगढ़ की से ये बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति जब्त कर लिया, कुर्क कर लिया, संपत्ति को कुर्क कर लिया। गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई हुई है। एक स्कूल है उसको भी सील कर गया। सुनील हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सुनील, समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है छविनाथ यादव, उनकी अवैध संपत्ति कुर्क कर ली गई है, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे और क्या ये कार्रवाई अभी भी चल रही है? और दूसरा, जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव पर क्या कुछ आरोप थे? जी, मैं आपको बता दूं कि जिला अधिकारी के वार्ड संख्या 2/22 पर जो है उन्होंने एक आदेश पारित किया है, जिसमें धारा 14A के तहत जो है उत्तर प्रदेश गिरोह में बंद सामाजिक क्रियाकलाप निवारण के अधिनियम के तहत 9,43,83 लाख रुपए की संपत्ति लगभग इनके कुर्क की गई है और 4 करोड़ का इनका जो खेत था मऊदारा में वो कुर्क किया गया है, जिससे समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से हलचल मचे हुई है। और भी जो गिरोह बंद जितने गैंगस्टर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई जिला प्रशासन कर रहा है, लेकिन जो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है, यहाँ पर मौके पर CO City, CO और SDM भारी पुलिस बल के साथ जो है विद्यालय को, उनके पिता के नाम स्वर्गीय सुंदर सिंह के नाम से विद्यालय था, उसको सीज कर दिया गया है। प्रोटेस्ट उसको लॉक कर दिया गया है। उसमें अधर में फर्क पड़ता है जो पढ़ने वाले छात्र थे, जो पूर्व छात्र थे। हालांकि इस पे SDM से पूछा गया कि इस मामले में क्या हो सकता, तो उन्होंने कहा कि जो भी कोर्ट का निर्णय होगा उससे कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी। आपको बता रहे हैं कि सुनील यादव जानकारी दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है और ये कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से आप जो अपराधी छवि वाले लोग हैं उनमें दहशत कायम है। ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं।